पहली बात तो बच्चों घबराना नहीं है। क्यों भाई? अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या, तो अरे भाई प्रेम साहब के सामने है, कई बार बहुत से बच्चे तो इसलिए गड़बड़ हो जाते घबरा जाते। तो भाई मैं कहूंगा 21वीं सदी के विद्वानों ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि घबराना तो मना है, बिल्कुल कभी घबराना नहीं है, और घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, समझते रहना है, कुछ कार्य करते रहना है। फिल्म्स आपके सामने है तो काम करते रहना है। बच्चों जरा सा आप लोग जानते हैं इकोलॉजी मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें अंत तक बने रहे और इस वीडियो का लाभ जरूर उठाए। इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, स्पेशली जो भारत में पाए जाने वाले 22 फेयर। आपके मन में बात आती होगी एक 22 फेयर है क्या, तो जब 22 फेयर की बात आप करेंगे 22 रिजर्व ऑफ इंडिया, तो 22 फेयर रिजर्व यूनेस्को ने बच्चों 1970 के दशक में डिकेड्स ऑफ 1970 एक प्रोग्राम लेके आई थी मैप। हैव हर्ड दिस प्रोग्राम मैप। ये जो मैप प्रोग्राम था, इस मैप प्रोग्राम में यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर, इसमें ये हुआ कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ स्पेशल काम करना होगा, और उसी के अंतर्गत फिर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे बायोस्फीयर एस्टेब्लिश हुए, एंड इन इंडिया आल्सो वी हैव स्टार्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर। भारत में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों। पहले तो मैं ये बता दूं बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या। बच्चों में कई बार प्रॉब्लम होती है कि सर ये ठीक है परंतु इसकी परिभाषा क्या, इसकी परिभाषा जनरली बुक्स में नहीं मिलेगी बच्चों आप लोगों को। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात होती है यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र की, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा वेल डिफाइंड एरिया होता है, सुनिश्चित क्षेत्र होता है जहां पर जीव जंतुओं वनस्पतियों यानी कि ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन, चाहे छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो बच्चों, सभी को उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है, उनको समृद्धि वृद्धि करने का मौका दिया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी भी तरह का शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। याद रहेगा बच्चों, शिकार यानी हंटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, और उसके साथ साथ एक बड़ी खास बात है, किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर नहीं कर सकते, यू कांट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो दो बात सामने आई कि पूरी तरह से शिकार प्रतिबंधित और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रतिबंधित होती है, और इसके साथ साथ बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये किसी एक राज्य में फैले हो सकते हैं, दो राज्यों में फैले हो सकते हैं, तीन राज्यों में फैले हो सकते हैं, जैसे नीलगिरी अपना है ना, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ। फिर उसी के साथ साथ ये भी हो सकता है बच्चों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें कुछ खास तरह के जीव जंतुओं का स्पेशल संरक्षण दिया जा रहा है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है कई सारे नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, उसमें हो सकता है बहुत सारे अभयारण्य भी हो, ये भी हो सकता है कुछ खास जंतुओं की वहां पे एक्टिविटी अधिक रहती हो। तो कई बार प्रश्न ये भी जोड़ के पूछा जाता है, स्टेट के साथ तो अक्सर जोड़ के पूछा जाता है ना, ये बड़ी खास बात है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इन सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, परिभाषा मैंने दो बात बता दी, एक ऐसा सुनिश्चित क्षेत्र वेल डिफाइंड एरिया जहां पर एनिमल और प्लांट्स वेजिटेशन छोटे बड़े उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसके साथ साथ उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता। हाँ बच्चों की खास बात ध्यान रखना, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से मिलकर उनसे कुछ डिस्कस करके फिर इसकी घोषणा की जाती है, और कई राज्यों में फैला हो सकता है, सिंगल में भी, एक राज्य में भी, कई राज्यों में। चलिए भाई देख कुछ बातें, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत में सरकार द्वारा इस समय 18-22 रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। वी हैव 18-22 रिजर्व इन डिफरेंट स्टेट्स, कुछ एक राज्यों में 2-3 है, उस राज्यों में 3 है, नहीं तो बहुत सारे राज्यों में 1-1 जनरली मिलते हैं। तो राज्यों में देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर में, एकदम उत्तर में हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट याद रखना, सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश,
देन उसके बाद देखेंगे बच्चों नंदा देवी। नंदा देवी यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसी के एरिया में आप लोगों ने फूलों की घाटी का जिक्र सुना होगा। फूलों का घाटी का एरिया बहुत प्यारा एरिया, मैं कहूंगा कभी मौका मिले ना बच्चों जरूर जाना यार, मैं तो गया हूँ। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बड़े बड़े ग्लेशियर चारों ओर, फूल। वो फिल्मों में देखते हो ना, वो जो गाने हैं ना फिल्मों में, बहुत सारे गाने पिक्चराइज होते हैं, तो फूलों की घाटी में कुछ उसी तरह का आपको नजारा मिलेगा देखने, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि गाना गाएंगे, तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत बितवा, एक चारों ओर फूल खिले हुए हैं, क्या बात होगी, बहुत जबरदस्त नजारा होगा, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों वहीं पर हिमालय क्षेत्र में ही एक तीसरा कंचनजंगा सिचुएटेड इन सिक्किम। फिर उसी के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं हिमालय क्षेत्र में ही अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है दिहांग दिबांग। फिर उसी के बाद ध्यान रखना असम में दो आ जाते हैं डिब्रू सखेवा, एंड फिर वहीं पर आ जाता है बच्चों मानस। मानस जो है बहुत ही फेमस है, यह हाथी के लिए बहुत फेमस है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो डिब्रू सखेवा एंड मानस असम में दो हैं। फिर वहीं पर जब आप पहुंचते हो मेघालय में तो मेघालय में आ जाता है नौक्रेक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वहीं पर आप पहुंचते हो वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल में आ जाता है आपका सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वहीं पर उड़ीसा में शिमलीपाल, एंड देन वहीं पर बच्चों आप पहुंचते हो मध्य प्रदेश में और पन्ना है यहाँ पर और पंचमढ़ी, पन्ना है और पंचमढ़ी है, और वहीं पर अचानक मारमर कंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देन बच्चों वहीं पर आता है आपका कच्छ, कच्छ जो रीजन है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वहीं पर आता है शेषाचला, बताइए कौन सी मूवी में देखी है आप लोगों ने, कुछ याद करिए, एक बड़ी जबरदस्त मूवी देखी है अभी हाल फिलहाल में, झुकेगा नहीं, याद करिए जरा भाई, झुकेगा नहीं, कौन सी, पुष्पा। पुष्पा में बोलता है ना इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में केवल और केवल लाल टाइप के चंदन होते हैं। तो नो डाउट बच्चों शेषाचलम का रीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखो कई राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु केरल एंड कर्नाटक, इसीलिए मैंने मैप पे आप लोगों को दिखाया। हमेशा ध्यान रखिए रटने की जरूरत नहीं है, कई बार आप लोग चार्ट बना लेते, चार्ट नहीं मैप्स, जरूर इंडिया का मैप उठाइए और स्टेप स्टेट बाय स्टेट जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भरते जाइए, चुटकियों में याद हो जाएगा बच्चों, फिर भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद आपका अगस्ता मलाई है और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है एंड देन ग्रेट निकोबार। सो यू कैन से इन इंडिया देयर इज 18 by 24। इसमें दो तीन बातों को बहुत जरूरी याद रखना, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर है बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप क्या बता सकते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना बच्चों, देखो तीन, पन्ना, ये। फिर दूसरा देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी है बच्चों ध्यान रखना, और लेटेस्ट एंड 18th कौन है, तो पन्ना है, 18th जो है पन्ना है, और नंबर वन कौन सा, नीलगिरी, ये भी ध्यान रखना। फिर दूसरी बात असम, असम में इन असम देयर इज टू बायोस्फीयर रिजर्व, वन इज कौन सा आपका कह सकते हैं डिब्रू सखेवा, सेकंड इज मानस, तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन फिर बच्चों ध्यान रखना देश का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना, और सबसे छोटा कौन सा है, तो दिहांग दिबांग सबसे छोटा है, है ना। तो इस तरह से आपके माइंड में ये सभी फैक्ट फाइल हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट याद रहने चाहिए, छोटे बड़े कौन से हैं ये याद रहना चाहिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कौन सा फर्स्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप मैप पर जरूर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं,
जल्दी ही किसी और वीडियो में मिलेंगे और फिर चर्चा होगी एक नए तरह से, एक नई बात होगी। तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों को जरूर बताइए और अपनी फिल्म सुनिश्चित करिए बच्चों। थैंक्स और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय।